मैं आपसे सीधा सवाल ये पूछ रही हूँ एपी सिंह जी, अगर निर्भया के दोषियों को फांसी हो जाती है तो उसमें क्या जाता है आपका? जाता है, मैं बताता हूँ ना, जाता है। जैसे रियान इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के ड्राइवर को फांसी की आपने भी मांग की, सारी दुनिया ने मोमबत्ती अगरबत्ती धूप बत्ती सारा कुछ लगा दिया जो, लेकिन उस केस में सीबीआई जांच ही तो वो ड्राइवर निर्दोष निकला और निर्भया के दोषी निर्दोष है। निर्दोष, अरे मैं बता रहा हूँ ना, जब किताब में लिखा गया, जेल सुपरिटेंडेंट कह रहे हैं लगातार, जो आज मैं कह रहा हूं, मैं अपनी दामिनी पॉलिटिकल मर्डर 2013 में किताब मैंने लिखी थी, दामिनी पॉलिटिकल मर्डर निर्भया के ऊपर, निर्भया के ऊपर क्यों? क्योंकि जब निर्भया जिंदा थी तभी से ये मांग जंतर मंतर पर होने लगी थी लगातार। उसकी हालत ऐसी थी एपी सिंह जी, उसकी हालत ऐसी थी, जिंदा है जो जिंदा है, आपने कैसे प्रज्यूम कर लिया उसके साथ कितनी बर्बरता हुई थी, उसके साथ कितनी बर्बरता हुई थी, जो हमारे कानून में ही नहीं है फांसी देना, तब आपने मांग की और उस मांग को आगे बढ़ाते हुए सरकारों को निर्भया की राजनीतिक हत्या पॉलिटिकल। मैं आपको एक बार याद दिला दूं डॉक्टर एपी सिंह जी, 2012 की वो बात है, सबका दिल दहल गया था उस केस में, सबका दिल दहल गया था, पूरा दिल्ली पूरा भारत सड़कों पर आ गया था। 7 साल बीत चुके हैं केस को। आपको अपने सुप्रीम कोर्ट के 17 केसों का हवाला दे रहा हूं, 17 से 19 तक का। एक सीधे सवाल का जवाब दीजिए, आज तक किसी, सुनिए, 6 साल 8 साल 9 साल की लड़की का रेप हुआ, SC ST एक्ट लगा, उसको जला दिया गया, मार दिया गया, काट दिया गया, गैंग रेप हुआ, और उन 17 केसों में मेरे सुप्रीम कोर्ट से 17 केसों में फांसी की सजा खत्म हुई और उम्र कैद में कमी हुई, वो केस मीडिया को याद भी नहीं। आपको ऐसा लगता नहीं है कि 2012 से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं? आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं? आप लगातार फांसी दे रहे हैं, किसको फांसी हुई? किसको फांसी हुई? आप तीसरी फांसी, डेथ वारंट जारी करके अभी तक फांसी तो नहीं हुई। तीसरी आपने धनंजय चटर्जी को फांसी दी, आपने आतंकवादियों को फांसी दी, पुलवामा घटना रुक गई, आपने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी दी, पुलवामा घटना रुक गई, जयपुर कांड रुक गया, लाल किला बम कांड रुक गया, लाल किला बम कांड का आरोपी आरिफ अली आसिफ अभी भी इसी दिल्ली में, एक बेटी चीख चीख कर रोई थी एपी सिंह जी, एक बेटी चीख चीख कर रोई थी, लेकिन उसकी फांसी। अब मुझे एक सीधे सवाल का जवाब दीजिए, क्या अभी तक आपने किसी रेपिस्ट को सजा दिलवाई है? बात रेपिस्ट को फंस, जब मैं जिसकी तरफ से हूँगा, नहीं, केस तो आपने बहुत लड़े होंगे, आप बहुत सीनियर एडवोकेट हैं। आप अगर निर्भया की माँ मुझे अपना एडवोकेट शुरू में कर लेती तो मैं उसकी वकालत करता, जब मैं दोषियों का वकील, मतलब ये एक प्रोफेशन है, नैतिकता पे भारी पड़ रहा है जो आपका प्रोफेशन, प्रोफेशन सबसे ऊपर होता है जब खड़े होते हैं कोर्ट में, अगर वहां हम नैतिकता बात करने लगे, वहां एथिक्स की बात करने लगे, लेकिन उस समय हमें प्रोफेशन, जब हम बैंड लगाते हैं, काला कोट पहनते हैं, गाउन पहनते हैं, वो कुछ भी करें आप बचाएंगे, वो कुछ भी करें आप बचाएंगे, वो कुछ भी करें आप बचाएंगे, कोर्ट का लाइफ। मैं सीधा सवाल आपसे पूछ रही हूँ, वो कुछ भी करें आप बचाएंगे, कुछ भी कौन कर रहा है? कहाँ था अक्षय? अक्षय घटना के दिन नहीं था दिल्ली में, 16 दिसंबर को अक्षय औरंगाबाद बिहार जो जांच हुई, इस पर आप सवाल उठा रहे हैं? हाँ, जांच पे भी सवाल, जांच पे मैं नहीं सवाल उठा रहा, नहीं आपने बोला, जेल के लॉ ऑफिसर ने सवाल उठा दिए, 35 साल बाद रिटायर होने के बाद उन्होंने कह दिया राम सिंह की आत्महत्या नहीं, वो कोर्ट में पेश हुए हो, कोर्ट में कहा मैंने, ये बात सब रिटेन में है, वो लॉ ऑफिसर है, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, कोई चलते फिरते व्यक्ति नहीं है, उनके सामने उन्होंने कहा मेरे 35 साल में इतनी धांधली नहीं हुई जितनी निर्भया केस में TIP के समय IO ने शिनाख्त करवाई, आइडेंटिफाई करवाया मजिस्ट्रेट के सामने, कौन दोषी है समय बताएगा, जो जो दोषी है। अभी आपने 4 घंटे पहले बोला कि कुछ भी हो जाए 3 तारीख को फांसी नहीं होने दूंगा, ऐसा आपने बोला? किसको बोला मैंने? मीडिया से बोला आपने? किसको बोला मैंने? अभी मैंने खबर पढ़ी थोड़ी देर पहले, कुछ भी मीडिया बोलती रहती, मीडिया का काम मीडिया ट्रायल कराता है, मीडिया ही पिटीशन फाइल कराता है, वही हमें डायरी नंबर देता है, वही डेट बताता है, वही जजमेंट बताता है, वही डिसमिस बताता है, वही ऑर्डर भी देता है हमें, मीडिया का तो हमारा तो काम ही यही है ना एपी सिंह जी, मीडिया का ट्रायल है, लेकिन ये काम इस केस में तो आप कर रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन और केसों को भी देखिए, देश बहुत बड़ा है, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर, बहुत बड़ा देश है, सारे देश को देखिए, सारे देश को समझिए, सबकी समझिए, मीडिया का मतलब एक पक्ष दिखाना नहीं होता है, मीडिया का मतलब होता है अगर निर्भया के दोषियों को अगर फांसी हो जाएगी तो आपको नहीं लगता कि कुछ कमी आएगी रेप के दर में? लगातार बढ़ती जा रही है रेप की दर, हर घंटे रेप होता है लगातार, देश की संसद में, विधानसभाओं में बलात्कारी सांसद और विधायक मंत्री, भूमाफिया, लैंड ग्रेबर, हत्यारे, किडनैपर, मर्डर, अगर उनका केस आपके पास आए तो क्या आप उन्हें भी बचाएंगे? वो हैं, ऑलरेडी हैं,
आप उन्हें बचाएंगे केस आपके पास आए तो? केस टू डिपेंड करता है। कितने रेपिस्ट को बचाया अभी तक आपने? नहीं नहीं, ये आंकड़े ना बताने की जरूरत है ना आपका सवाल ही जायज है कि मैंने क्या किया क्या नहीं, क्या आप बात करेंगी। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।